हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उर्विस क्रिएटिविटी। आज के वीडियो में हम प्रॉन्स पिकल बनाएंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। प्रॉन्स पिकल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg प्रॉन्स लिए हैं, जिनको हमने पहले धोया है और नमक लगा के रखा था। 8 नींबुओं का रस, हींग और सरसों, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, कोकोनट विनेगर और मिर्ची विनेगर, आप कोई भी एक विनेगर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक पैन रखेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। गैस हमारी मीडियम टू लो होगी। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें सरसों और हींग डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। इसके बाद जाएगी हमारी जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अब इसको अच्छे से सौते करेंगे। ये अच्छे से सौते होने के बाद जाएंगे हमारे प्रॉन्स। अब हम इसमें प्रॉन्स डालेंगे। प्रॉन्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आपको तब तक पकाना है जब तक ये प्रॉन्स तेल ना छोड़े। अगर आप इनको अच्छे से नहीं पकाओगे तो ये अचार जल्दी से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। स्वाद अनुसार नमक जाएगा। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट पकने को आया है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाले हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इसको भी मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये बहुत झटपट बनने वाला अचार है और बहुत टेस्टी होता है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डाल के हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब डालेंगे हम इसमें विनेगर। विनेगर आपको 1 टेबल स्पून ही डालना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कोकोनट विनेगर यूज़ कर सकते हो या फिर जो नॉर्मल मिलता है विनेगर मिर्ची का, वो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर बताना कि मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा। बाय फ्रेंड्स।